एंड SN24 और मैं हूँ आपके साथ अवंतिका रॉय। आज 15 नवंबर है और हम आपको बता दें कि आज जो हमारा झारखंड है वो 22 साल का हो गया। हर साल 15 नवंबर को लोग जो है बहुत ही धूमधाम से झारखंड की स्थापना दिवस मनाते हैं। आपको बता दें कि हर साल हमारा जो झारखंड है वो 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था झारखंड को। उसके बाद से जो झारखंडवासी है वो बहुत ही धूमधाम से इस दिवस को मनाते हैं और आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है और लोग बड़े ही धूमधाम से जयंती को मना भी रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में जो है लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। और यहां पर एक भव्य मंच का भी आयोजन किया गया, जिस मंच से आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के युवाओं को बहुत सारे खुशियों की स्वागत देने वाले हैं। झारखंड वासियों को, किसानों को, हर किसी को यहाँ से आज बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐसे बहुत सारे शिलान्यासों का उद्घाटन करेंगे और कृषियों के लिए भी एक ऐसा ऐप लेकर आएंगे जहां उन्हें सुखाड़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो आज यहां से शुभारंभ होने वाला है वो चीज़ है, वो शिक्षा से जुड़े 4 योजनाओं का भी शुभारंभ करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ SN24 के साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लाभुकों को क्या क्या लाभ मिले हैं। हम बनाएंगे, हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और अपने झारखंड को बिल्कुल सशक्त बनाएंगे। हम आपको बता दें, आज के इस झारखंड स्थापना दिवस 2022 के अवसर पर शाम में पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार के कला संस्कृति निदेशालय की ओर से शाम 5 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो आपकी तरफ से 1,876 करोड़ रुपए की 222 योजनाओं का उद्घाटन। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको बता दें, आज के इस शुभ और यादगार मौके पर कुल 5,433 करोड़ की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 147 योजनाओं का शिलान्यास करें। बाई ओर शिलान्यास की योजनाओं की पट्टिका लगी हुई है, इसका अनावरण रिमोट के बटन के साथ 5,433 करोड़ रुपए की 147 योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो आप सबकी तरफ से। आज मैं शुभकामना देना चाहूंगी पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और साथ ही हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और जिस तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए अगर उसका लाभ इस तरह से उठाया जाए तो निश्चित रूप से झारखंड बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और चूंकि यह प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है और यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो फिर हमारा राज्य पूरे देश में अव्वल राज्य घोषित होगा, ऐसे हमें उम्मीद है। क्योंकि आपने देखा होगा कि सरकार आपके द्वारा और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जिस तरह से सरकारी अधिकारी घर घर तक पहुंच रहे हैं, चाहे वो दुर्गम इलाके हो, पहाड़, जंगल या गांव, शहर, बस्ती, हर जगह कैंप लग रहे हैं, उसमें योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है, फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी बहुत तरह की घोषणाएं होंगी और जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिकाओं ने आंदोलन, कुछ भी सरकार ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उनकी समस्या का समाधान किया, उनकी मांगों को पूरा किया, पुलिस कर्मियों की मांगों को पूरा किया, जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसे फिर से लागू किया गया और फूलो जन आशीर्वाद योजना है, सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना है और सखी मंडल के माध्यम से पलाश ब्रांड वगैरह लॉन्च किया जा रहा है,
छात्रवृत्ति के द्वारा छात्रों को आगे बढ़ाया जा रहा है, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, जो लोन रोजगार के लिए दिया जा रहा है, बहुत कम इंटरेस्ट में आप व्यापार से जुड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इतनी सुविधाएं पहले नहीं थी जो अभी मिल रही हैं लोगों को, और बहुत तेजी से झारखंड आगे बढ़ रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा परिचय दे। मेरा नाम है आकाश कुमार सिन्हा, मैं झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये काफ़ी खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री जी ने इस वैकेंसी का फाइनल टच तक ले गए पूरा किया, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार ने नियुक्ति पत्र वितरण करके अपना काम पूरा किया, अब हम कैंडिडेट की जिम्मेवारी है कि हम राज्य सरकार के लिए राज्य की तरक्की में अपना 100% योगदान दें। झारखंड अलग हुए 22 साल हो चुका है आज, तो क्या कुछ अलग चीज़ें झारखंड में, क्या कुछ विकास होना चाहिए? आपके एक युवा है, आपको क्या ये 22 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जिस स्पीड से होनी चाहिए, हमारे साथ भी और भी राज्य अलग हुए हैं, लेकिन अभी भी हम अगर टॉप से आप देखें तो 27वें नंबर पे हम आते हैं, तो अभी भी हम अपने देश में भी हम अपने बाकी राज्यों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इतने संसाधन से संपूर्ण होने के बाद भी। इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी मतलब हम सबको खूब काम करने की ज़रूरत है अपने राज्य के लिए। पट्टा लगाए हैं, क्या कुछ कहना? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मीडिया चौथा स्थान है, आपने जो इज्जत प्यार दिए पूरे झारखंड के जनता की ओर से आपके चैनल को मुबारकबाद देना चाहते हैं। और हम लोगों ने झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो काम किए, और जब मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त को मंजूर नहीं था, 2 साल कोरोना काल हो गए, 3 साल के कार्यकाल में जो काम किए, आपसे छुपी हुई नहीं, आपसे ढकी हुई नहीं, बेहतर काम किए, और आज जो ऐलान कर रहे हैं यहाँ स्थापना दिवस में करेंगे, और आप भी जानिएगा, और दिल से दुआ करते हैं कि मेरे झारखंड की सरजमीन इंडिया आगे पूरी विश्व में नाम हो, यही दुआ करते हैं। और आपके माध्यम से जो मैडम आ रही थी, राष्ट्रपति जो यहाँ राज्यपाल थी, हम लोग झारखंड की जनता उनसे निवेदन करना चाहते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप झारखंड के बारे ज़्यादा जानते हैं, यहाँ की युवा के बारे, यहाँ की जनता के बारे, यहाँ की विकास के बारे आप बेहतर सोचिए, क्योंकि वो मैडम यहाँ रह चुकी थी, दीप्ति मुर्मू जी, उन्होंने आई, मैं उनको वेलकम के लिए आए थे, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सीता हमारा, राष्ट्रीय झंडा लेके आए थे उनके इस्तकबाल में। आज झारखंड में और भारत देश में भगवान बिरसा मुंडा का जयंती मनाया जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ में इन्होंने लड़ाई लड़ा, और उन्हीं का देन है कि आज झारखंड इतना विकास हुआ है, अंग्रेज से हमारा आज़ादी मिला है, और आज के दिन झारखंड प्रदेश में इतना जुल्म और शोषण हो रहा है, जुल्म और शोषण के खिलाफ भी बिरसा भगवान मुंडा लड़े थे, आज यहाँ पर फिर भी हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए हैं, हमें फिर लड़ना होगा, हमें गरीबी से लड़ना होगा, हमें बड़े लोग जो अत्याचार कर रहे हैं उन लोग से लड़ना होगा। आज यहाँ का प्रशासन भी आदिवासी और झारखंड वासियों पर उदासीनता इनको है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हजारीबाग में हम बिरसा जयंती मना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है, यहाँ माइक का व्यवस्था होना चाहिए था बोलने के लिए कम से कम लोगों को। सरकार से भी हम नाराजगी अपना व्यक्त करते हैं। या तो 1932 का खतियान लागू हो गया, फिर आप असंतुष्ट क्यों हैं? अब देखना है कि लागू तो हुआ, लेकिन सही में आदिवासी झारखंडी लोगों को लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। तो जिस तरह से आपने देखा, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा टोटल 369 योजनाओं और शिलान्यास का उद्घाटन किया गया, 369 मिलाकर उन्होंने शिलान्यास और योजना का शुभारंभ किया यहाँ के मंच से। और आज आपको बता दें कि उन्होंने झारखंड के कृषियों के साथ साथ बाल किशोरियों एवं छात्र छात्राओं के लिए भी खुशी की स्वागत दी, और साथ ही उन्होंने मंच पर खड़े होकर के समस्त झारखंड वासियों को संबोधित भी किया, और बहुत ही धूमधाम से आज राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। इसी तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं नेशन 24।